रणवीर सिंह एंड फेवरेट जो मेरा इन्फ्लुएंसर है मतलब था है वो है दानिश भाई. तो ये दो लोग हैं क्योंकि इन दोनों से मैं क्या इंस्पायर होता हूँ, एनर्जी यार किसी भी चीज़ को करने के लिए. मतलब आपको आपके अंदर एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है. सेकंड कॉन्फिडेंस, ये अगर नहीं है आप में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. कुछ भी काम करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो उस लिए, उस चीज़ के लिए, ताकि आप कहीं भी जाओ कैसे भी जाओ तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सको. सो मेरा फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह है. ओके okay, एंड आपके फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, आप और क्या क्या अचीव करना चाहते हो? देखो मेरे फ्यूचर ड्रीम्स जितने थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है. बट हाँ कुछ ड्रीम्स हैं वो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जब मैं उसे कर दूंगा तभी सबको बताऊंगा. बट हाँ कुछ ड्रीम्स हैं मेरे, बहुत सारे ड्रीम्स अभी बाकी है. जैसे कि मुझे अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर वेब सीरीज, मतलब मेरे को वेब सीरीज में जाना, थोड़ा सा एक अलग चीज़ दिखाना चाहता हूँ अपनी पब्लिक को. क्योंकि क्या होता है ना कि कब तक आप एक ही चीज़ को दिखाते रहोगे, रील्स रील्स ब्लॉग्स ब्लॉग्स. तो मैं काफ़ी मतलब 4 साल से यही चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे अब कुछ मेरी लोगों को कुछ नया फ्रेश देना है, तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ. ओके सर, एंड सर आप लाइफ में मतलब आपको किसने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है? यार मोटिवेट तो मेरे को देखो मैंने खुद नहीं किया अपने आप को, कोई मोटिवेट करने नहीं आता है, कोई आपको बताने नहीं आता है कि ऐसा करो वैसा करो, और उल्टा और गलत बताते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हो कुछ तो, कि ये मत करें ऐसा मत करें गलत हो जाएगा. तो कभी भी मोटिवेट होना हो तो खुद से होना, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. किसी का कंधा मत लो, किसी का हाथ मत पकड़ो, खुद अकेले चल सकते हो. दो भगवान ने पैर दिया, हाथ दिए, दिमाग दिया, खुद सोचो खुद करो. एंड जब भी डीमोटिवेट हो तो अकेले बैठो, सबसे मैं प्यारी चीज़ होता तो अकेले बैठो और उस चीज़ के बारे में सोचो कि आपको क्या चीज़ सता रही है, तो उससे तुम्हें लड़ना है, ठीक है. उससे फाइट करो, डीमोटिवेट या फिर मोटिवेट वाला कुछ फंडा मत रखो अपनी लाइफ में. बस जो भी आपका एम है उसकी तरफ चलते जाओ, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच.